Something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. लास्ट ही रिकॉर्डिंग रहेगा आपका सेशन और आप 31 तारीख को इसको देख रहे होंगे. इट इज़ द 18th सेशन ऑन 20 क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग और इसके बाद आपको जो भी सेशन मिलेगा आई थिंक फ्रॉम 3rd ऑफ जैन. सो वी विल बी मीटिंग लाइव. ठीक है, तो एक और सेशन बियर कर लीजिए डियर. चलो, मैं हूँ आपका दोस्त ऐश्वर्य. गेट ईएससी के लिए आपको पढ़ाता हूँ. मास्टर्स मेरा आईआईटी दिल्ली से है, बीटेक जामिया कॉलेज से है. 4 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है विद माई बेस्ट AIR 226. 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 सालों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास और 50% से ज़्यादा मैं सब्जेक्ट्स कवर करता हूँ आपके सिविल इंजीनियरिंग में. डियर, ये आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है. जब भी हम लोग लाइव आएंगे मैं इसके अंदर सारे के सारे नोट्स आपको भेज दूँगा. एंड वी डू हैव लॉट मेनी फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लासेज एज वेल एज ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यूट्यूब. But still we recommend our learners to go for our plus and iconic plan. Reason being कि आपको यहाँ पे हम देते हैं daily live classes, weekly test, structured course, crash courses, RIBs, unlimited access to the content. Not only this, अगर आप iconic की बात करो तो which is the super set of plus जहाँ पे आपको plus के सारे benefits हम देते हैं. But apart from that also you are going to get the personal coach who is going to plan your study, who is going to give the booster session for you, who is going to analyze your test at the personalized level. Not only this, also you are going to get the specialized notes and practice sets along with the dedicated doubt clearing educator. So, चाहे मामला plus का हो, iconic का हो, तो आप use कर सकते हो मेरा code that is AISH10DR. Combat अगला 2 तारीख को है, जनवरी को. Maybe इसके बाद ही हम लोग live मिले और it is going to start at 11 AM. And this time again the combat is important because 100 lucky participants are going to win the exciting rewards like iPad mini, JBL headphones, Samsung Tab, JBL speakers and Amazon vouchers.
और मजे की बात ये है यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आपके 3 महीने से 2 साल तक के अवेलेबल हैं और 6 महीने के 24 2 साल तक अवेलेबल है आइकॉनिक। इंस्टेंट 10% ऑफ आपको मिलेगा इफ़ यू आर गोइंग टू यूज AISH 10 एंड EIMTP आपका इंतजार कर रहा है डियर। 2 जनवरी को आप सबको मैं रिपोर्ट पूछूंगा, 3 तारीख को कि हाँ कैसा रहा टेस्ट एंड ऑल, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, पूरे सिलेबस की कवरेज मिलेगी। तो 5 फुल मेगा मॉक टेस्ट आर देयर, सो जस्ट एनरोल नाउ। एक काम करते हैं, इस पे ये इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेट्स सी। रिसेंटली लॉन्च बैच में 22 जनवरी को मैकेनिक्स और सोम स्टार्ट हुआ है आरोहन बैच के अंडर, और फाउंडेशन बैच में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है, और ये सब हमारे न्यू बैचेज है, यू कैन सी हियर। एंड 22 तारीख को ये सब स्टार्ट हुए हैं, सिविल में नहीं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी CSIT एंड केमिकल में भी ये बैचेज हुए हैं स्टार्ट। एंड वेलकम टू दी 18 सेशन ऑन 20 क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो एज आई प्रोमिस, ये लास्ट रिकॉर्डिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, अब से हम मिलेंगे लाइव। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको प्ले करिएगा, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। तो अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूशन इज, देखो जब ट्रैफिक के अलोंग जाते हो, ए मूविंग ऑब्जर्वर मेजर्स रिलेटिव फ्लो एज 100 एंड अगेंस्ट जाते हो देन इट इज 250। The average speed of the moving observer while traveling along the and against the stream is 20 and 40. Now what is the traffic jam density dear? तो आपको jam density निकालनी है आपको कि कितनी रहेगी। So काफी simple है, वही upstream downstream वाला concept है। तो Q अगर K करते हो it's 100, अगर आप क्या कहते हैं against में जाते हो along जाते हो so it is 250. अगेंस्ट में जाते हो तो 250, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस इक्वेशन देन यू कैन गेट द डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम, है ना। क्यू और क्यू की वैल्यू निकाल देना, क्यू आपको मिलेगा आई थिंक 150 व्हीकल पर किलोमीटर, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट वन। सो सॉल्व दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन डियर, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। आर यू गेटिंग दिस? के का आपको वैल्यू भी आई थिंक रखा होगा यहाँ पे, एक जगह आपको लगाना है 20 और एक जगह आपको लगाना है 40। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ऑफ नॉट? सो दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो आपको बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है एंड यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर लो या स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड यूज कर लो। तो वीडियो पॉज कर देना अटेम्प्ट करने से पहले और चलो करता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विच वी आर गोइंग टू डू हेयर इज टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी इज स्टिफनेस ऑफ बी ए ओवर सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ बी ए एंड बी सी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी is equal to stiffness of BC upon sum of stiffnesses. So this is 0.516 and it is 0.484. Okay, so 0.516 and 0.484. These are the distribution factors and A, B, C. What about fixed end moment here? Fixed end moment is minus 14.4, 9.6, minus 6.67 and 6.67. और ये तो खैर 20 into 1 minus 20 हो गया।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप लिखोगे 0.52 कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए 0.48। नाउ एट सी यू कैन अप्लाई द करेक्शन, इट इज 13.33 एंड कैरी ओवर इज 6.67 एंड इट इज माइनस 14.4 9.6 ठीक है, जो भी आ रहा होगा 4.5 4.5 7.4 जितना भी आ गया देख लेना, आई थिंक इट्स 6.5। So this is the bending moment at B, 4.65 किलोन्यूटन मीटर इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी। कई तरीकों से आप इसको कर सकते थे बट आई थिंक सबसे जल्दी क्विक आप इसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, टेल मी, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम RCC एंड हियर द सेंट्रोइड ऑफ ट्रांसफॉर्म सेक्शन टेकिंग द मॉडुलर रेशियो 21 विदाउट नेग्लेक्टिंग द एरिया एंड टेंशन फ्रॉम द बॉटम इज। अब यहाँ पे आप क्या करते हो नॉर्मल WSM और LSM में, आप टेंशन वाला जो पोर्शन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। यहाँ पे नेग्लेक्ट बिना किए क्या आंसर आएगा दैट यू हैव टू टेल। ओके सो डियर सेंट्रॉयड आपको निकालना है इसकी। अगर मैं नॉर्मल नाम दे दूँ, इसको दे दूँ A, इसको दे दूँ B, इसको दे दूँ C, इसको दे दूँ D, इसको दे दूँ G, इसको दे दूँ H, इसको दे दूँ I, इसको दे दूँ J, EF इसको दे दो, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे सो यू कैन सी दिस इज बेसिकली नाउ एनोट एम टाइम्स ऑफ AST, नाउ इट इज एम माइनस वन टाइम्स ऑफ AST। ओके एम टाइम्स ऑफ AST इज नॉर्मल, माइनस AST आल्सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो डियर अब अगर आप देखोगे हेयर नाउ सेंट्रॉयड फ्रॉम बॉटम कितना हो जाएगा, सेंट्रॉयड फ्रॉम बॉटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 2000, 200 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक 200, फिर 2000 और फिर 100 का आधा, फिर 100 का और सॉरी 200 का आधा, तो 200 प्लस 2000 प्लस 200 का आधा तो हो जाएगा 2300 mm। नाउ अगर मैं इस वाले पोर्शन का GHIJ का सेंट्रोइड की बात करूं तो हो जाएगा 2200, 2200 का आधा हो जाएगा 1100, तो सेंट्रोइड ऑफ GHIJ ये हो जाएगा 2200 का आधा 1100। इक्विवेलेंट एरिया की बात करूं, सो इक्विवेलेंट एरिया ये कितना हो जाएगा, M टाइम्स ऑफ AST नॉर्मल होता है बट M टाइम्स ऑफ AST में अगेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ स्टील, सो इट इज M माइनस वन, तो 21 माइनस 1 इंटू AST, सो टोटल इट इज कमिंग आउट टू बी 62800 mm². नाउ यू आर हैविंग टोटल 3 सेगमेंट्स, नाउ यू आर हैविंग टोटल 3 सेगमेंट्स डियर। नाउ डोंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट द वाई बार या एक्स बार, सो इट इज फर्स्ट एरिया इंटू CG प्लस सेकेंड एरिया इंटू CG प्लस थर्ड एरिया इंटू CG, so you can you will be computing this, so you will be getting 1477.164. okay I repeat 2000 into 200 into 2300 plus 2200 into 300 into 1100 plus AST जो भी आपने निकाला equivalent area 62800 into इसका CG कितना होगा, इसका CG होगा यहाँ से 200 ठीक है डिवाइडेड बाय
A1 plus A2 plus A3 total divide करोगे, then you would be getting option D. You would be getting option D here. Are you getting this? चलो चौथे पे पढ़ते हैं. चौथे पे पढ़ते हैं. Lab test on a soil sample has been conducted और देखा गया कि liquid limit, plastic limit, shrinkage limit की values इतनी इतनी है. If the soil, if the sample of the soil at liquid limit has a volume of 40 cc and its volume measured at a shrinkage limit was 23.5 cc. Now what is the shrinkage ratio? Shrinkage ratio क्या होगा? चलो, I hope आप solution देखने के लिए video play कर चुके हो और now you can see decrease in volume कितना होगा ये? 0.6 से 0.2 तक. And this is liquid volume minus shrinkage limit volume. Okay, so here you can say that 0.4 times of shrinkage limit is 40 minus 23.5. और यहाँ से अगर आप WS निकालते तो आपको 41.25 ग्राम निकल आएगा, 25 ग्राम्स निकल आएगा. श्रिंकेज लिमिट में आपको पता है कि क्या होता है. श्रिंकेज लिमिट आई होप यू नो, अगर आप ये ग्राफ बनाते हो देन दिस इज द श्रिंकेज लिमिट एंड दिस इज द ड्राई वॉल्यूम और वॉल्यूम एट द श्रिंकेज लिमिट. सो वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 0.2 टाइम्स ऑफ WS बिकॉज श्रिंकेज कंटेंट इज गिवन टू यू, श्रिंकेज लिमिट इज गिवन टू यू 0.2. सो वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड हैज टू बी इक्वल टू 0.2 और 0.2 टाइम्स ऑफ 85 ग्राम्स मींस इट इज 20% ऑफ दिस 41.25 ग्राम्स. मतलब पानी का वेट कितना होगा 8.25 ग्राम्स और पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है. इट इज आल्सो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आल्सो इक्वल्स टू 8.25 मिलीलीटर और सीसी. ओके सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर टोटल में से आपने 8.25 सीसी घटा दिया देन 15.25 सीसी आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड. ना स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर. ओके सो इट इज 41.25 अपॉन 15.25 और वेट ऑफ द वाटर को 1 ही लेना है. सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज यूजुअल 2.7. सो नाउ श्रिंकेज रेशियो आपको निकालना था एंड श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू ड्राई अपॉन दिस. सो फ्रॉम हेयर दिस यू नो इज वॉट जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई. तो श्रिंकेज रेशियो कितना हो जाएगा, इट इज जी ओवर सिंपली 1 प्लस ई. ओके सो गामा डी आपको निकाल के 17.2 आया और दिस इज 17.2 अपॉन 9.81. ओके सो दिस इज 1.753. सो श्रिंकेज रेशियो इज 1.753. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है चलो पांचवा क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं आगे. An annular plate of 2 meter external diameter and 1 meter internal diameter with its greatest and least depth below the surface being 1.5 and 0.75 meter respectively. Now what is the magnitude of force acting upon one side of the plate due to the pressure of water? Due to the pressure of water you have to calculate this. So it is quite easy. Forces on submerged body. एक प्लेट है आपकी. लेट सपोज दिस इज द वाटर लेवल. लेट सपोज दिस इज द वाटर लेवल डियर और यहाँ पे एक प्लेट डूबी हुई है आपकी. यहाँ पे एक प्लेट डूबी हुई है एंड इट इज इक्वल टू थीटा. दिस एंगल इज थीटा डियर. सो दिस इज द वाटर लेवल. So this is the greatest height and this is the least height. So 0.5 and it is 1.5. ठीक है अब निकाल दोगे. ये डायमीटर आपको दे ही रखा है. ये डायमीटर आपको दे ही रखा है 2 मीटर एक्सटर्नल एंड 1 मीटर इंटरनल. मतलब होलो प्लेट है तो यहाँ पे 2 मीटर एक्सटर्नल एंड 1 मीटर इंटरनल. सो दिस इज द थीटा डियर. वट इज थीटा? 2 मीटर एक्सटर्नल है ना तो 0.75/2 दिस इज द साइन थीटा. फ्रॉम हेयर थीटा यू आर कैलकुलेटिंग इट इज कमिंग आउट टू बी 22 डिग्री. नाउ वट अबाउट द एरिया ऑफ द प्लेट? एरिया इज π/4 आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर स्क्वायर. सो इट इज 2.356 मीटर स्क्वायर. एंड x बार की अगर बात करूंगा
तो इट इज एवरेज हाइट इज एवरेज ऑफ 1.5 एंड 7.75, तो यार 1.125। ओके सो प्रेशर इट्स रो जी ए इनटू एक्स बार। व्हाट इज रो जी ए इनटू एक्स बार? सो इट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली व्हाट 26 किलो न्यूटन। सो हियर द मैच इज कहां गया 26 किलो न्यूटन ऑप्शन नंबर सी। ओके नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज इट इज फ्रॉम बेसिकली टॉर्जन। ए होलो स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 200 किलो न्यूटन ऑफ पावर एट 150 आरपीएम। द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन ए लेंथ ऑफ 5 मीटर ऑफ द शाफ्ट इज 3 डिग्री। If the permissible shear stress is 60 MPa, the inner diameter of the shaft is, what is the inner diameter of the shaft? Okay, take G is 80 GPa and it is one options aapko de rakhe. So solution, karta hun start. So it is a kilowatt, it is a 200 kilowatt, it is 200 kilowatt, hai na? सो टी इज 60 P अपॉन 2 πN। यहाँ से अगर आप चलते हो तो 60 × 200 किलो वाट, ओके किलो के लिए 1000 और लगा दो, 2 × π × व्हाट इज एन, इट इज कितना हो जाएगा, लेट से 200 × 60 / π / okay, one more error is there, varna answer match nahi karega. This is not 150, it is 180. Okay, it is 180 rpm, it is going to be 180 rpm. ठीक है, कोई नहीं, आपका आंसर भी आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा, सो अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू मैच, बट इट इज 180 आरपीएम। सो इफ दैट इज द केस देन इट इज गोइंग टू बी 10610 न्यूटन मीटर। ओके सो थीटा इज गोइंग टू बी 3 डिग्री, सो इन रेडियन यू कैन कीप 0.052 rads। नाउ as a simple shear equation, see it is equal to 10.61 × 10⁶ torque, J is a pi by 32 outer dia minus inner dia ki power 4, and G is 80,000 80 GPa is given to you, or theta aapko 0.052 de rakha hai, and length is 5 meter. So from here d4 minus d4 is 1 × 10⁶ mm4. Also dear, t is equal to tau pi by 16 d4 minus d4 upon d, so this is coming out to be 1061 into 10 की पावर 6 is equal to permissible stress is 60 × π/16 into d4 minus d4 upon d. So you are having two equation in terms of d4 minus d4. Substitute the value of d4 minus d4 here and get the value of capital D, then compute the value of small d. So from 1 and 2 the inner diameter is coming out to be, how much? कितना आएगा ये इनर डायमीटर? एनीबडी? ओके सो इट इज 130.7 mm, सो ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन। द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन ग्राम्स ड्यूरिंग एन एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ 2.5 किलो ऑफ ग्लूकोसेस। ये तो बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड यार,
ये तो एकदम यूनिटरी मेथड से हो जाएगा. सो ऑल यू नीड टू नो द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज C6H12O6. सो व्हेन इट इज डिकम्पोजेस इट्स गिव्स 3 मोल ऑफ मीथेन एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो वेट वाइज यू कैन से व्हाट इज ग्लूकोज वेट. इट इज 180 ग्राम्स एंड इट इज गिविंग 16 × 48 एंड इट इज गिविंग 12 और 32 44 × 100 जो भी है 3 × 44 पर मेरे को तो खैर इन दोनों से मतलब है. देखो 48 आपको मिलता है जब 180 ग्राम बर्न होता है, डिकम्पोज होता है. तो आपको अगर 2.5 किलो बर्न करना हो, डिकम्पोज करना हो तो क्या होगा, दिस यू कैन कैलकुलेट. आई थिंक ये आपका आ जाएगा कुछ 0.67 kg. सो ऑप्शन बी. सो 675 ग्राम्स सिर्फ 675 ग्राम्स. इज इट क्लियर? तो 675 ग्राम्स आपका यहाँ पे रहेगा. ओके आगे बढ़ते हैं डियर. क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम स्ट्रक्चर्स. The member AC is 5 mm too short and increases in temperature of member AB is 40 degree centigrade. The vertical deflection of joint B is. B का vertical deflection आपने निकालना है. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टाइम लगेगा इसको. सो ऑल यू नीड टू फाइंड, देखो सबसे पहले B पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, देन रिमूव ऑल फोर्सेस एंड अप्लाई ए यूनिट लोड एट B. ड्यू टू दैट कैलकुलेट यूनिट लोड, ड्यू टू दैट कैलकुलेट द फोर्सेस इन द मेंबर AB, AC एंड BC. तो ये आप कैलकुलेट करेंगे. इसको कैलकुलेट करने के बाद डियर क्या करना है आपने, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको 10 किलो न्यूटन के कारण तीनों पे फोर्सेस निकालने हैं, और एसी के शॉर्ट होने के कारण फोर्सेस निकालने हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने के कारण फोर्सेस निकालने हैं, एंड फाइनली यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो लकीली यू कैन से दैट मेंबर नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट मच. तो अगर मैं इन सबको एक एक करके एनालाइज करके आपको टेबल बनाऊं तो आपको हर बार मेथड ऑफ जॉइंट लगाना है. सो मेंबर, तीन ही मेंबर है यहाँ पे, ए बी, ए सी एंड बी सी. अच्छा फोर्सेस की बात करूं ड्यू टू 10 किलो न्यूटन, व्हाट वुड बी दी फोर्सेस हेयर, व्हाट इज दी फोर्सेस हेयर. ए बी इज 5√2, ए सी हेयर कितना हो जाएगा 5, एंड बी सी इज -5√2. ओके सो के यूनिट लोड आप क्या करोगे, 10 न्यूटन किलो न्यूटन को हटा के बी पे एक यूनिट लोड लगाओगे ड्यू टू दैट कैलकुलेट फोर्सेस है. सो इट इज वुड बी कंप्रेसिव 1/√2, इट इज आल्सो कंप्रेसिव 1/√2, इट वुड बी टेंसाइल 1/2 एंड लेंथ एंड ऑल यू नो हियर इट इज 8 4√2 एंड 4√2. So this is how much? It is 8, 4√2 and 4√2. AE value is also given to you. AE value is same. AE value is same for all the members. 6 × 10⁻⁴. Okay. So KPL upon AE you can calculate. KPL upon AE or PKL upon AE you can calculate. So it is -4.7. × 10⁻⁴ and 3.33 × 10⁻⁴ and -4 + 4.7 × 10⁻⁴. After that K L alpha delta T -1.9 and K or you can say length of the member. So what is K into delta, KI delta I. तो extension के कारण 0, ये हो गया था 0 point, कितना आ जाएगा ये 5 × 0.5. So it is 2.5 × 10⁻³, it is again 0. So दोनों को multiply कर दो, K की value आपको दे ही रखी है और decrement in the length is 0.5. So total this plus this plus this you have to add
and you would be getting the final delta. Why you are getting final vertical delta? Because this K you have to calculate, you have calculated on due to the downward load. This K you have calculated due to the downward load. So this is delta is in summation of PKL upon AE plus summation of KL alpha delta T plus summation of K times of delta. So this addition is this one only. Okay. And this is this only. This is this only. So sab kuch mila jula ke jama ghata karke dear. So you would be getting minus 4.07 mm. Minus means downward. So minus is implying downward. So it is minus 4.07. So option A is correct. Option A is correct here. Okay. So इसे downward upward को negative positive से represent किया है. So it is the 8th question. I hope you understand this. 8th question आपको समझ में आया होगा. ठीक है. तो छोटा question है but सारी varieties cover होगी. Temperature, short member, long member and all. Each and everything discussed here. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 9th question. Ninth question, the 1.5 long steel bar has a cross section of 800 mm square. When an elastic limit of 180 MPa is there, the proof resilience, ये आपको दे रखा है. तो ये भी dear आपका आसान सा ही है problem, question आपका कोई tough नहीं है. So this is proof resilience. Proof resilience कितना हो जाएगा dear? Sigma square upon 2e into volume. So sigma is 180 square upon 2 into Young's modulus. Volume आपको दे रखा है 800 और length भी multiply कर दो. ठीक है 1.5 meter के हिसाब से 1500. So this is 94.83 newton meter. Straightforward. I hope ये सबका ठीक हुआ होगा. कोई doubt किसी को नहीं आता है tell me. चलिए next. A flat tie 200 Indian standard flange 20 is carrying a tensile load and there is a possible reversal of stresses in member due to the loads other than wind or seismicity. Now what is the limiting length of the flat as per Indian standard 800-207? Limited state के हिसाब से आपको बताना है. So here solution कर देता हूँ dear इसका. The L by R is less than 180 degree, reversal of direct stress. So limiting SR is what? It is L max over R minimum, 180 se kam. So actually the R minimum is under root I minimum over area. Area of cross section remains same. So it is BT cube by 12 upon area is B into T. So it is nothing but T by root 2. Root 12. So thickness is 20 and it is root 12. So it is coming out to be 5.77. So what is L max? L max is 180 into R minimum. And R minimum is 180 into kitna? 5.77. So it is coming out to be 1039.23. So 1.03 is the L 1.03 or 1039.23 millimeter. Both are same. Okay. Chaliye dear. Now we have to start our non-technical portion. So question number 11. Consider an unbiased cubic dice with opposite faces colored identically. And each face colored red, blue or green such that each color appears only two times on the dice. If the dice is thrown thrice, the probability of obtaining red color on top face of dice at least twice is, it is going to be how much? Achha question hai. So here, agar aap dekhoge, so this is the event probability, red, blue, green, so this is 2 by 6,
2x6 and 2x6. So P is कितना हो जाएगा 2x6, Q कितना हो जाएगा 4x6, ठीक है। क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट रेड कलर ऑन टॉप फेस एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम दो बार रेड कलर टॉप पे आना चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, या कम से कम आना चाहिए x इज इक्वल टू 3, ये दोनों केस ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि कितनी बार ये उछाला गया है रेड ब्लू और ग्रीन, तो टोटल कितनी बार हो गए, 2 times on a dice, टोटल डाइस आपकी 3 बार उछाली गई है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू डू दिस। सो टॉप फेस पे रेड चाहिए आपको, कम से कम 2 बार चाहिए, ठीक है, टोटल जो आपका डाइस उछाली जा रही है दैट इज 3 times, ओके ओके। सो पी एक्स इज इक्वल टू, और तीनों बार भी आ सकता है क्योंकि कम से कम 2 बार चाहिए, सो इट इज, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू के हिसाब से चलूंगा, इट इज एन सी टू पी रेज़ टू द पावर 2, और ना होने की प्रोबेबिलिटी एन माइनस 2, एंड अगर 3 के हिसाब से चलूंगा तो पी रेज़ टू द पावर 3 क्यू रेज़ टू द पावर एन माइनस 3, ओके। सो दिस इज माई डियर फ्रेंड आउट ऑफ द 3 events, सो 3C2 2x6 की पावर 2 एंड 4x6 प्लस 3C3 which is 1 only, 2x6 की पावर 3 into 4x6 की पावर 0. So on solving this you would be getting 0.259 dr. So 0.259 आपको मिल जाएगा, and option D, okay, आपको मिलेगा कितना, option number D, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 12 consider the shaded triangular region P. Now what is the value of double integration xy dx dy is, double integration xy dy dx dy की value कितनी होगी, this you have to calculate, okay, this you have to calculate, so anybody कितना होगा, ठीक है, so here you can see it is the equation of a straight line with the x intercepts is equal to, and y intercept kitna hai, one, so you can see here that this is x by 2 plus y by 1 is equal to 1, so y kitna ho jayega 1 minus x by 2, or you can say that x is equal to 2 minus 2y, that's all, it's a 2 minus 2y. So now the double integration here easy tha, 0 se x ke hisab se 2 minus x by 2, 2 minus x by 2, this is y only, and next is 0 to 2, so xy dx dy, so this is equal to here 1/6, this is 1/6, so kitna aaya, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये आपका ई ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आप यू कैन इजीली सब्सटीट्यूट, इजंट इट, ओके, सो इट इज 1/6 ऑप्शन नंबर ए, ओके, तो बस लिमिट्स ही निकालनी है आपको यहाँ पे, वाई इंटरसेप्ट की वजह से आपने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन को आपने वाई को एक्स में रिप्लेस कर दिया, एंड देन यू हैव सब्सटीट्यूट द प्रॉपर लिमिट्स, एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 2, और डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 2, ओके, नेक्स्ट, a cone is cut into 4 parts by 3 cut parallel to the base at equal height. Now what is the ratio of volume of 4 part is? What is the ratio of volume of 4 part is? Frustum of a cone आपको पता ही है क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए इस cone को मैंने इस छोटे का area देखना हो with respect to this. So what is this छोटे का area? Total area minus this height square. This height के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, आर यू गेटिंग दिस, एंड हाइट एंड रेडियस आर आल्सो सिमिलर, दे विद रेडियस इट इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो आई कैन से इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर वॉल्यूम इज वी,
then this portion is total minus r cube, this portion is this height into r cube minus total difference. तो इस तरीके से मैं इसको डील कर सकता हूँ. तो यहाँ पे इस कोन पे डियर टोटल आपने फोर हिस्से कर दिए बराबर हाइट वाइज, नॉट वॉल्यूम वाइज ऑब्वियसली, हाइट वाइज आपने यहाँ पे चार बराबर हिस्से कर दिए. तो ये हो जाएगा एक हिस्सा, ओके पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा. सो ऑल दिस फोर सेगमेंट हाइट्स आर सेम, सो टोटल देयर आर फोर वॉल्यूम ना. सो इट इज V1, इट इज V2, it is V3, it is V4. Okay. Now V1 plus V2 plus V3 plus V4 is equal to total volume. Okay. So you have to calculate V1 is to V2 is to V3 is to V4. Are you getting this? Okay. So total this one, let's suppose V1 is equal to V. So this is V1. What is V2? What is V2 dear? So this height is double na for here. V1 is pi r square into h1. Okay, second case we know that h1 over r1 is equal to h2 over r2 and all. So if this is what about v2? V2 is pi r2 square into h2, and h2 you can write r2 over r1 into h1. So I can write pi R2 cube upon R1 into H1. So this is a case. Are you getting this? And what about H1? H1 you can keep it here. So like V3 also I can write pi R3 cube upon R1 into H1. So H1 upon R1 we can establish a relation here. And if you are seeing, so if V1 is 1 cube, so what about V2 cube? It is double now. So 2 cube minus 1. What about this cube? V3 minus V1 plus V2 is this volume. So it is 3 cube minus 2 cube. And if I am talking about V4, so total minus 3 difference is there. So 4 cube minus 2 cube is there. So this is 1 is to 8 minus 6, 7 is to 9 minus 27 minus 8, 19 is to 37. So option C is matching. Option C is matching there. Are you getting the point or not? Tell me. Are you all getting the point or not? ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे V1 is to V2 is to V3 is to V4. अरे simple geometry है भाई, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है. बस ये चारों की चारों हाइट क्या कर दो, बराबर कर दो. This is what they are saying. Okay. चलो. Next question. Class B has 50% more students than class A. The number of girls in A is equal to the number of boys in B. The percentage of girl is same in both the classes. The ratio of number of boys in class A to the number of girls in class B. है ना? तो ये भी simple ही idea रहा, कुछ नहीं है इसमें, बस घुमाया गया है आपको. तो ये तो question आपको refresh करने के लिए देता हूँ मैं. ये non-technical session ठीक है, 1 से 10 तक आप bore हो जाते हो. तो रिफ्रेशमेंट के रूप में आपको क्वेश्चन देता हूँ, और गेट का भी मुझे लगता है यही पर्पस रहता होगा कि आपको फ्रेश करने के लिए वो नॉन टेक क्वेश्चन देता है. सो दो क्लास है ए टू बी, टोटल जो आप कह सकते हो कि क्लास बी के पास जो है 50% बच्चे ज़्यादा है, 40% बच्चे ज़्यादा है. तो कोई बात नहीं, तो 40% 100:140 5:7 का रेशियो हो गया, 20 बनजे 100, 5:7 का बेसिक रेशियो हो गया ना, और ये हो गया आपका टोटल रेशियो. बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ की तो बॉयज़ कितना हो जाएगा डियर यहाँ पे क्लास बी के पास 40% ज़्यादा दे रखा है. नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़. तो भाई अगर यहाँ पे जो बॉयज है ठीक है बी में, ये बराबर है, इफ इट इज 5 - x तो ये कितना बचेगा 7 - x. आपको पता है कि x बाय 5 दोनों का परसेंटेज बराबर है, तो 7 - x / 7 दिस इज बराबर. सो 7x इज इक्वल टू 35 - 5x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 35/12. अगर x इज इक्वल टू 35/12 है तो भाई क्या पूछा गया है आपसे, बॉयज ए टू गर्ल्स बी. बॉयज ए पे कितने आए 5 - x, गर्ल्स कितना है, सो 5 - 35/12
इज इक्वल टू 7 माइनस 35 बटे 12, सो इट इज 25 बटे 49। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम एप्टीट्यूड, आप लोगों का फेवरेट एप्टीट्यूड से है ये। सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 21,750 रुपए इज इन्वेस्टेड बाय ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन्स हुज एज आर 9 एंड 13 ईयर सच दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 21 ईयर एट द रेट 4.5% पर एनम। व्हाट इज द शेयर ऑफ द यंगर चाइल्ड इज, कि दोनों को, दोनों जब 21 साल के होंगे तो दोनों को एक जैसा पैसा मिलेगा, तो अभी यंगर चाइल्ड को कितना पैसा दिया जा रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो 12, इसको कितना बचा है, 21 होने के लिए 12, तो लगभग 54% इंक्रीमेंट इसको चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 13 में से 8 और 21 होंगे, इसको लगभग 36% इंक्रीमेंट चाहिए, ऐसे निकाला करो, है ना। सो टोटल 54 और कितना हो गया 36, तो भैया पहले को मिल रहा है 54% इंक्रीमेंट और दूसरे को मिल रहा है 36% इंक्रीमेंट, तो आप कह सकते हो पहले अपॉन दूसरे का शेयर जो होगा वो होगा 136 बटे 154। सो व्हाट इज फर्स्ट, 136 अपॉन 154 इंटू टोटल इज 21,750, तो इसके नाम पे जो आया 10,200, तो 10,200 डियर इज द शेयर ऑफ यंगर वन। ओके, इट इज द शेयर ऑफ यंगर वन। ओके, दिस इज यंगर वन, और जो रिमेनिंग है वो बड़े का शेयर हो गया। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, चलिए डियर, द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कॉज्ड बाय अ सेट ऑफ कंसंट्रेटेड मूविंग लोड कितना होगा, ये तो बता दोगे भाई। इट इज ऑलवेज अंडर ए लोड क्लोज टू द सेंट्रोइड ऑफ ऑल सेट ऑफ लोड, या नॉट डिफाइंड बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन लोड नेक्स्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ स्पैन ऑलवेज एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्पैन। सो बेस्ट इज ऑलवेज अंडर ए पॉइंट क्लोज टू द सेंट्रोइड ऑफ द सेट ऑफ लोड, ऑल्दो एक केस और बनता है, टू केसेस आर देयर, बट यस सीजी के जो सबसे करीब है उसी के पास आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनता है। डियर एंड नेक्स्ट, लग एंकल्स आर क्या करोगे लग एंकल्स को, इट इंक्रीज शियर रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट या रिड्यूस लेंथ ऑफ जॉइंट, दे आर ऑलवेज इक्वल एंगल एंड व्हाट, सो इट बेसिकली लग एंगल्स आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट। इफ डब्ल्यू इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट the water to be added for the determination of initial setting of time, 15% consistency hoti hai I guess, to 85 W, D option is the right one. Next, the engineering news record formula QA is WH upon 6S plus 0.25 is used for drop hammer, single acting hammer, double hammer, yeah, for all of these. So dear, it is used for single acting hammer, option you can say B, option B, yes. The porosity of a soil sample having its void ratio is equal to 1, है ना, तो क्या करोगे, पोरोसिटी कितनी हो जाएगी डियर, यहाँ पे पोरोसिटी कितनी हो जाएगी, इट्स E ओवर 1 प्लस E, ओके, सो इट्स E ओवर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस E, तो दिस इज इक्वल टू, ये होता है ना भाई, 1 प्लस ई कर दो, सो ये होगा 1 माइनस ई, आंसर टी में सी दे रखा है, सो दिस इज what void ratio is volume of void upon volume of solid, this is the void ratio, it is given to the unity, okay, the porosity of the soil sample having its void ratio equal to unity would be, ab aapko nikalna hai this over this, so this is equal to porosity is volume of void upon total volume, so
So it is okay. So this is 50%. Suppose it is going to be 50%, whose word ratio is 1 unit here. Okay, चलिए dear. Okay, answer में की में मेरे पे सी दे रखा था, इसलिए इसको दोबारा क्रॉस चेक किया. Okay, so these all are the 20 questions for today dear. So again you will be finding another set of question, ठीक है? चलिए आज देखना, कई क्वेश्चंस में मिस प्रिंटिंग वगैरह हुई है, सो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान देना. एंड 14 क्वेश्चन की इक्वेशन पहले गलत सॉल्व हो गई थी. एंड या दिस आल्सो क्वेश्चंस ठीक थे, बट आज क्वेश्चंस अच्छे थे. और यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग थी, वेक्टर वाज रॉन्ग. ठीक है, तो ये थोड़े बहुत कमियां आ जाती है यार रिकॉर्डिंग में ना. रिकॉर्डिंग में ईच एंड एवरीथिंग वुड बी परफेक्टली परफेक्ट, शुड बी परफेक्टली ओके. अगर लाइव होता तो आप में से कोई लोग कोई बोल देता कि सर ये कमी लग रही है, वो कमी लग रही है, तो सेशन मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा जाता है. चलो कोई बात नहीं, अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि जीरो एरर हो, कोई गलतियां, कोई मिस्टेक्स ना हो. सो लेट्स कीप दी सेशन ओनली अप टू हेयर एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल योर सेल्फ फॉर AIMTDF ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. एंड लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट इज देयर विद ऑल दी 1:1 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन डियर. हेयर यू कैन एक्सपीरियंस दी पर्सनलाइज लर्निंग लाइक नेवर बिफोर. सो स्पेशल क्लास आपकी नेक्स्ट रहेगी रात को 9 बजे. आज आज मतलब 30 तारीख को, इसका तो चलो कोई मतलब नहीं. एंड चेक आउट दी ब्रांड न्यू अपडेट्स ऑन दी अनअकैडमी आस्क ए डाउट. एंड दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एंड हेयर आर दी बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक प्लान डियर. सो सब्सक्रिप्शन प्राइस ये है, इंस्टेंट 10% ऑफ के लिए यू गाइस कैन यूज AISH10. सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.